अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? सारे कैसे हो? ये है गेमिंग वीडियो। पबजी नहीं है भाई, ये बैटल ग्राउंड है, ठीक है ना? फायर बैटल ग्राउंड है ये। पबजी यार मैं खेलूंगा इंशाल्लाह, पबजी भी खेलूंगा, बट ये अभी फिलहाल फायर बैटल ग्राउंड में मैं भाई टेक डाउन कर रहा हूँ, नीचे को उतर रहा हूँ। अभी मेरा पैराशूट खुलने वाला है, वो सामने घर है, मैं जान के वहाँ पर उतरा कि मुझे वहाँ अपना कोई ना कोई गन मिल जाए, ठीक है ना? कोई नेड, कोई गन, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। तो यार मैं ना, दरअसल मैंने ये चैनल बनाया था ऐसे ही ना, मतलब मैट्रिक के पेपर वेपर दे रहे थे, मैंने कहा चलो साथ साथ ना एक यूट्यूब का चैनल शुरू करते हैं। एवं इसके ऊपर वीडियोस डाली जाता था, मतलब एवं बस जब फारग होना तब वीडियो शीडियो डाल देनी। लॉन्ग वीडियो में डालता कोई नहीं था, क्योंकि लॉन्ग वीडियो डालता था तो भाई उसके ऊपर 5 व्यूज़ 6 व्यूज़, और ऊपर से लॉन्ग वीडियो को बनाने में कितनी देर लगती थी, पूरा 1 घंटा लग जाता है। और भाई एडिट करने में समझ लो कि तुम तकरीबन 3 से 4 घंटे तो लग जाते हैं एक बेसिक सी एडिटिंग को, ठीक है? तो मैं ना यार बनाता नहीं था, लेकिन अब जो है ना यार, मुझे अपनी गलती का अब एहसास हो रहा है कि यार 1 साल पहले अगर मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियोस बनानी शुरू की होती ना, मेहनत करनी शुरू की होती, तो इस वक्त यार मैं कहीं ना कहीं खड़ा होता, लाइक कुछ नहीं तो यार मैं 50K पे खड़ा होता, मुझे इतना पता है भाई। क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ है ना, उन पर मेरे तकरीबन 4,000-5,000 व्यूज़ आए हुए हैं, मुझे इतना पता है। काफ़ी ज़्यादा देर ये सोचते सोचते ही निकल गई यार, वीडियो डालूँ कि ना डालूँ, क्या करूँगा, साथ पढ़ाई भी थी, साथ मैं शॉप पर भी आता है, मेरी दुकान है, जनरल स्टोर है मेरा, तो यहाँ पे बैठ के वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ। बीच में ही कस्टमर आ जाता है, बीच में ही कस्टमर को यार करता हूँ डील, तो साथ ही साथ वीडियो भी एडिट कर रहा होता हूँ। बनाता तो मैं घर जाके हूँ, एडिट यहाँ पे आके करता हूँ, बिकॉज टाइम कोई नहीं होता यार, घर एडिट करने का टाइम कोई नहीं होता। घर वाले जो ना, वो मेरे पापा मुझे नहीं करने देते थे, मामा तो मुझे सपोर्ट करती हैं, पापा नहीं करने देते यार। यार अगर अभी तक तुम मेरी बकवास सुन रहे हो तो मेरी जान वीडियो को लाइक कर दो ना। चलो छोड़ो, वीडियो को लाइक ना करो यार, तुम चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे ना तो किसी ना किसी वक्त दोबारा से मुड़ गए तुम मेरे चैनल पर ज़रूर आओगे। वीडियो को लाइक छोड़ो, परे रहने दो, दफ़ा करो, वीडियो को लाइक ना करो कोई बात नहीं है, अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, कोई बात नहीं है, लाइक कर दो। तो क्या है कि यार यहाँ पे बंदे मुझे मिलने काफ़ी मतलब मुश्किल ही हो गए थे, ये मुझे गन मिल गई, फाइनली मिल गई थी यहाँ पे, और बंदे ना मुझे यहाँ पे बंदा मुझे एक नज़र आ रहा था, मैं ढूंढ रहा था इस बंदे को। इस गेम में एक तो पता नहीं क्या मसला यार, बंदा ना ठीक से दिखता नहीं है यहाँ पे, अभी मुझे बंदा दिखेगा, सॉरी यार, ये ना मैं कुछ सब कुछ बीच में ही कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऊंचा ये वो सब कुछ मैं बीच में ही कर रहा हूँ। और ये गाड़ी जो ना जिसमें बैठा हूँ, ये मेरी फेवरेट गाड़ी है, ठीक है? अभी यार यहाँ से आगे जाकर ना बंदा ढूंढते हैं और बंदे को किल करते हैं, चलते हैं अभी आगे, ज़रा बंदा देखते हैं ये कौन सा बंदा था। ये सामने है, ये सामने है, ये सामने है। मैंने ना काफ़ी कोशिश की यार मैं इसको गाड़ी के नीचे दे दूँ, पर गाड़ी के नीचे ये आ नहीं था रहा, बड़ा तेज है। मैंने यहाँ पे आके मैंने कहा फिर ठीक है भाई, तुझे उतर के ही मारते हैं। ये मैं उतरा और यहाँ पे ये भाई साहब मुझे नज़र ही नहीं आ रहे आगे से, ये जा रहे हैं, ये दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है बस। इसके पास दरअसल कुछ है नहीं था, ये इसलिए भाग रहा था। मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा भाग लेने दो, दूर से निशाना लगाते हैं। वो कहते ना भागते भागते शिकार को पकड़ने का मज़ा ही अपना है, वो वाकई भागते शिकार को पकड़ने का मज़ा ही अपना है, पर जो इसको मज़ा दूर से मारने का है ना, वो करीब से मारने का नहीं था आना। तो चलो भाई अब नेक्स्ट बंदा ढूंढते हैं कि सेकंड बंदा हमें कौन मिलता है। खैर पहले ना ये चेक कर लेता हूँ, मुझे एक यहाँ पे ना मुझे लगा कि ये शायद ये चेक कर रहा होगा, ये जो है ना यार डिब्बा सा ऊपर से आता है, इसको मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वैसे वेरी एम्बेरसिंग मोमेंट, बट मुझे इसको नहीं पता इसको क्या कहते हैं, ये ऑर्डर जो होता है ना, ये ऑर्डर मंगवाते हैं ना जो यार छोटी गन की गोली मार के जो ऊपर से मंगवाते हैं डिब्बा, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा यहाँ पे एक और बंदा मुझे मिला था, यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ पे ही था कहीं पे करीब करीब, ये मुझे मिल नहीं सारा। मैंने कहा चलो काम करता हूँ, मैं ना गन लोड कर लेता हूँ, गन तो मैंने लोड की नहीं हुई, गन यहाँ पर लोड करी, ये वाली गन पकड़ी, आ गए जनाब साहब आ गए, ठीक है? काफ़ी करीब ही था ये मेरे यार, किधर गया, मुझे मिल ही नहीं रहा यार। खैर गाड़ी बैठा और मैं निकल गया, मैंने कहा चलो गाड़ी में बैठते हैं और इस बंदे को ढूंढते हैं ये बंदा किधर है, ठीक है? आखिरकार ये बंदा नज़र आ ही गया यार। मैं ना वैसे अक्सर मैं बात हूँ, मैं ना अक्सर कोशिश करता हूँ कि ये नीचे आ जाए गाड़ी के, बट गाड़ी के नीचे यार आते नहीं है यार। ये बंदे के पास भी गन नहीं थी, इसको अंदर जाके एंड टाइम पे गन मिली है, और ऊपर से वो भी स्नाइपर, मतलब ये एक शॉट कर देता तो भाई मैं ख़त्म था, ख़त्म एकदम ख़त्म। तो भाई यहाँ पे ये देखो, यहाँ इसको गन मिली और ये आके मेरे को पेलने लग गया। मैंने इसको काफ़ी सारा डैमेज दिया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डैमेज पाने के बाद ये मरा है, मतलब एकदम से नहीं मरा जिस तरह आम मर जाते हैं, ये काफ़ी इसको डैमेज देना पड़ा था मुझे, फिर जाके मरा था। अब मुझे अपनी गाड़ी की तरफ जाना था, मैंने दूसरी वाली गन पकड़ ली। दरअसल एक बात है, मुझे ना स्नाइपर वनाइपर कोई चलानी चलूनी कोई नहीं आती है मुझे दरअसल ये। अब सच कहूँ तो मैं थोड़ा सा फंस भी गया हुआ था, क्योंकि स्नाइपर मुझे चलानी आती कोई नहीं, स्नाइपर मैं चलाता हूँ तो यार काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाती चलती सारी, और दूसरी गन के अंदर गोलियाँ कोई नहीं थी। मैंने कहा चलो फिर इन घरों को खोलते हैं और देखते हैं यहाँ पर से क्या निकलता है, शायद यहाँ से कुछ ना कुछ निकल ही आए। और यहाँ से मुझे फाइनली मुझे यहाँ से मिल गई थी
यहाँ से मुझे छोटी गन मिल गई थी भाई। अच्छा हाँ यार, तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि भाई ये उस लेवल की गेम नहीं खेल रहा जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं, तो भाई मैं प्लेयर नहीं हूँ, मुझे इतनी खास खेलनी नहीं आती, ये मेरा फर्स्ट फर्स्ट गेम प्ले है। मैंने कहा चलो पहले यार गेम डालते हैं, मैंने नहीं देखा भाई मुझे आती नहीं है गेम, ये नहीं है वो नहीं है। ये भी लोग जो पहले भाई वीडियो बना रहे हैं ना, जो इस वक्त बड़े बड़े प्लेयर बने फिर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर बने फिर हैं, भाई इनको भी पहले नहीं थी आती। कोई बंदा नहीं जिसको पैदा होते ही पबजी खेलनी आती हो, या कोई ना कोई मतलब पैदा होते ही उसके हाथ में कोई ना कोई स्किल, कोई ऐसा बंदा नहीं होता भाई। सीखनी पड़ती है, करनी पड़ती है, टाइम गुजारना पड़ता है, तब जाके कुछ ना कुछ आता है बंदे को, ऐसे ही बंदे को कुछ नहीं आता। तो खास अब यहाँ पे हमें बंदा मिल चुका था, नहीं यहाँ पे मैंने गाड़ी ठोकी थी, बंदा नहीं था मिला है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं बंदा ढूंढते हैं। खैर यार तुम लोग ना एक काम किया करो यार, वीडियो लाइक किया करो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, तो मुझे भी यार ताकि मुझे भी बाद में मुझे भी पता होना कि यार मेरी ऑडियंस है जिसकी तरफ मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं यार बाद में सुस्त हो जाता हूँ, मुझे भी मसला होता है, मैं भी परेशान होता हूँ यार, ओहो मैंने वीडियो नहीं बनाई, ओहो मुझे चाहिए था मैं वीडियो बनाता। इस बंदे को भी मैंने कोशिश की थी कि यार मैं नीचे दे दूँ, लेकिन गलती से मेरा हाथ मैप के ऊपर लग गया जिसकी वजह से मैं इसको नीचे नहीं दे सका। खैर फिर भी कोशिश की, फिर भी मैंने कोशिश की, और हाँ शायद मैंने इसको नीचे ही दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ ये देखो भाई इसको नीचे दब दिया मैंने, ठीक है ना, ऐसा ही वो देखो वो किल हो गया, इसको नीचे दबा दिया मैंने गाड़ी के नीचे, देखा किल किया। वैसे तो कुछ लोग इसको चीटिंग कहेंगे, लेकिन भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गाड़ी के अंदर था, मुझे गाड़ी के अंदर से उतर के इसको मारना पड़ता यार, इतनी मेहनत लगती। मैं कभी कंबल में से उठ के बाहर पानी लेने गया तो भाई मैं क्या ये करूँगा। खैर अब चलते हैं नेक्स्ट बंदा ढूंढने के लिए। नेक्स्ट बंदा मेरे करीब था, ये भाई करीब करीब ही है, यहीं यहीं पे था, और आई थिंक सो कि ये मुझे गोलियां भी मार रहा था, मुझे याद नहीं अब। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे गोलियां भी मार रहा था। यहाँ पे जोन था, सॉरी यार यहाँ पे जोन था, इस चीज़ की वजह से मुझे ना थोड़ा सा हो गया, मुझे करना पड़ा मतलब इस बंदे को उतर के मारना पड़ा, वरना मैंने इसको भी नीचे ही देना था। अच्छा इसकी इसको शॉट चेक करना भाई कितनी कमाल की लगी, इसने भी मुझे काफ़ी डैमेज दिया था मेरे ख्याल से। तो ये यहाँ पे आया, ये मेरी गाड़ी के पीछे छुप गया, अब यहाँ पर से आएगा जनाब साहब, लेकिन ये प्लेयर था, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा प्लेयर था, मतलब समझ लो कि या तुक्के से मरा मुझसे या कैसे भी मरा ये मुझे नहीं पता। ये देखो स्नाइपर चलाई मैंने, तुम देख रहे हो ना स्नाइपर चलाई, और कितनी गंदी स्नाइपर चलाई मैंने इसको, इसने मुझे बहुत डैमेज दिया, बट मैं यहाँ पर बहुत गंदा खेला हूँ। देखो काफ़ी ज़्यादा डैमेज लेने के बाद वो गन रीलोड कर रहा था, अगर वो गन रीलोड ना कर रहा होता तो बड़े आराम से वो मुझे मार लेता भाई यहाँ पे। खैर प्लेयर से ले तो हम हैं नहीं यार, तो अल्लाह का शुक्र है मार लिया मैंने इसको, क्योंकि इसकी गन लोड होनी थी, अगर इसकी गन ना लोड हो रही होती तो भाई मैं तो फिर गया था, पक्का पक्का ही गया था मैं तो। और यहाँ पर सामने दो बंदे नज़र आ रहे थे, मैंने इनको पहले बैंडेज लगाएं उसके बाद चलते हैं इनके सामने, इनके सामने जाके ज़ाहिर इनका मुकाबला भी तो करना है ना। तो गाड़ी के अंदर बैठ के जाएंगे हम भैया, MLA हैं हम, पैदल नहीं जाएंगे, हाँ पैदल नहीं जा रहा भैया, इतने बड़े MLA हैं। तो मुझे यहाँ तो मुझे पता नहीं क्या दिल कर गया भाई इस गाड़ी को टक्कर मारने का, और इस गाड़ी को मैंने टक्कर मार दी, पता नहीं क्या बस क्रेजी या जस्ट किडिंग या क्या, मेरा बस ऐसे दिल किया भाई इसको टक्कर मारने को, तो मैंने इसको टक्कर मार दी। अब आगे वो सामने बंदा भी नज़र आ गया, लेकिन यार काफ़ी कोशिश की थी इसको नीचे देने की भी, लेकिन ये नीचे नहीं आया। खैर ये भी बंदा बहुत तेज़ था भाई, ज़रा देखना ज़रा इसने कैसे खेला है, इसने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज दे दिया था। यहाँ पे ये देखो, ये देखना ये बंदे का, देखना भाई इस बंदे के साथ कैसा खेला हूँ, और बड़ी मुश्किल से मतलब तुम देखोगे कि तकरीबन काफ़ी सारे बंदे, आधे से ज़्यादा बंदे जिनसे मैं ना तुक्के से खेल रहा हूँ। यहाँ पर मेरा हाथ काफ़ी पक्का था, यहाँ पर मेरा हाथ काफ़ी पक्का था, मैंने बहुत ही दूर से एम मतलब ऐसे फुल रख के और शॉट कर दी भाई, मज़ा आ गया। खैर और इसकी गन भी अच्छी थी, सबस गन भी अच्छी थी, मैंने स्नाइपर छोड़ी, मैंने कहा शुक्र है जान छुट्टी स्नाइपर तो मेरी, स्नाइपर यार मैं चलानी कोई नहीं आती यार, मैंने स्नाइपर सर में मारनी थी अपने, छोड़ी स्नाइपर दफ़ा की मैंने। और यहाँ पे करीब एक और बंदा, इसका ही साथी था आई थिंक सो, इसी के ही जो स्क्वाड का बंदा था वो मेरे सामने आ गया था, अभी देख बंदे ने किया कुछ ऐसा था कि भाई मेरी फेवरेट गाड़ी इसने फाड़ दी। अच्छा मैं एक बात कहूँ, मुझे ना लग रहा है कि ये गाड़ी के उस तरफ चला गया, तो भाई मेरा अंगूठा उस तरफ था इसलिए मुझे नज़र ही कोई नहीं आया, और यहाँ पे मेरी फेवरेट गाड़ी जो है उसका धमाका बज गया। ओहो वेरी 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 सैड मोमेंट यार। खैर यहाँ पे नमाज हो गई थी, नमाज का टाइम हो गया था, ईशा का मम्मा ने कहा अबे जल्दी निकल नमाज का टाइम हो रहा है, उठ गया मैंने नमाज़ पढ़ने चला गया, मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ते हैं, तुम लोग भी नमाज़ पढ़ा करो यार।